नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज, योर एजुकेशनल पॉड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरिटी। ठीक है, तो हम कैपिलरिटी की स्टडी करने से पहले जानेंगे वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे कि एडहेसिव फोर्स और जो कोहेजन फोर्स होता है वो लिक्विड के केस में प्रोमिनेंट होता है और गैसेस के केस में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं केस फर्स्ट की बात करूँ, अगर आपका जो एडिशन फोर्स है किसी लिक्विड का वो कोहेजन फोर्स से वेरी वेरी ग्रेटर देन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटिंग लिक्विड। दैट मीन्स कि किसी सॉलिड सरफेस का किसी लिक्विड पे जो एडिशन फोर्स है वो उसी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के कोहेजन फोर्स से ग्रेटर देन हो तो वो आपका होगा वेटिंग लिक्विड। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जो लिक्विड है वो उस सॉलिड सरफेस को क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेटिंग लिक्विड। ठीक है, वही मैं केस सेकंड की मैं बात करूँ तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कोहेजन फोर्स है, कोहेजन फोर्स विच इज़ वेरी ग्रेटर एडिशन फोर्स, दैट मीन्स कि उस केस में जो किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजन फोर्स होगा वो उस लिक्विड का किसी सॉलिड सरफेस के साथ जो एडिशन फोर्स है उससे ग्रेटर देन होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो वेटिंग लिक्विड का जो एग्जांपल होगा वो सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर ग्लास इंटरफेस। ठीक है, कि जैसे कि हम किसी ग्लास में वाटर को पोर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो ग्लास की सरफेस को गीला कर देता है। ठीक है, यानी उनके बीच में क्या हो गया, वो एक तरह से वाटर क्या आपका वेटिंग लिक्विड। ठीक है, वही मैं बात करूँ कोई नॉन वेटिंग लिक्विड एग्जांपल की तो इस केस में क्या होगा, जो अपना जो मरकरी होता है, मरकरी को हम जैसे देखते हैं कि किसी थर्मामीटर में मरकरी जो होती है वो थर्मामीटर की जो वॉल्स होती है, ठीक है, उनको कभी भी वेट नहीं करती है वो, कि क्योंकि जो डेंसिटी होगी उनका जो सॉरी जो मरकरी है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम पहले भी फ्लूड की प्रॉपर्टीज में डेंसिटी में देख चुके हैं कि जो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक तरह से कॉम्पैक्टनेस, कि किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने कॉम्पैक्ट है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स का वो एडिशन फोर्स से ग्रेटर देन होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका मरकरी ग्लास इंटरफेस। क्लियर है यहाँ से, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड। क्लियर है यहाँ से, तो वेटिंग लिक्विड को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी वेटिंग लिक्विड को हम जब किसी सॉलिड सरफेस पे डालते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेटिंग लिक्विड के केस में एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है कोहेजन फोर्स से। ठीक है, कि यहाँ पर जो सॉलिड सरफेस है वो उस लिक्विड की जो ड्रॉपलेट है उस पर एडिशन फोर्स लगाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एडिशन फोर्स उस सॉरी जो वाटर की जो ड्रॉपलेट है वो उस सरफेस पे स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो लिक्विड की जो ड्रॉपलेट है वो सॉलिड सरफेस से जहाँ पे कॉन्टैक्ट करती है, जहाँ पे उसको कॉन्टैक्ट करती है वहाँ से हम जब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट है वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस सॉलिड सरफेस है उससे जितना एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इफ़ थीटा जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो लेस देन 90 डिग्री है और पाई बाई टू है तो उस केस हम देखते हैं कि एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेटिंग लिक्विड। क्लियर है यहाँ से, वही मैं अगर सेकेंड केस की मैं बात करूँ तो वो है नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक है, इस केस में जब नॉन वेटिंग लिक्विड को हम किसी सॉलिड सरफेस पर जब डालते हैं तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं नॉन वेटिंग के केस में कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। उस केस में क्या होगा, जो वेटिंग लिक्विड का जो ड्रॉपलेट है वो उसके जो पार्टिकल्स है वो सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो स्प्रेड ना होकर एक तरह से सिकुड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इस टाइप का शेप बनता है। तो हम जब इसके कॉन्टैक्ट सरफेस से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस सॉलिड सरफेस से एक एंगल बनाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री और पाई बाई टू। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कोहेसिव फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन
एडिशन फोर्स, क्लियर है? एंड दैट टाइप ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड नॉन वेटिंग लिक्विड, क्लियर है यहाँ से? तो आई होप आपका ये वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कैपिलरिटी के बारे में, ठीक है? तो इसको समझते हैं हम। लेट सपोज मैंने यहाँ से कोई कंटेनर लिया इस टाइप से, ठीक है, जिसमें लिक्विड फिलअप है। अब यहाँ से देखता हूँ कि मैं कोई एक स्मॉल डायमीटर की कोई ट्यूब इंसर्ट करता हूँ इसमें, जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये जो एडजेसेंट फ्लूड है वो इसमें क्या होगा, एंटर होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे ये फ्लूड या तो होगा इस, या तो इसमें होगा राइज, ठीक, या फिर इसमें होगा फॉल, कुछ इस तरह, जो आपका एडजेसेंट लेवल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इसको इंसर्ट करते हैं तो ये जो लिक्विड है इस ट्यूब में राइज होता है या फिर फॉल होता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। तो ये में ऐसा होता है क्यों है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। हम जानते हैं कि कैपिलरिटी का जो मेन रीजन है वो आपका है एडिशन और कोहेजन, जिनके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जब इस केस में क्या होगा, जब अपना जो लिक्विड है उस ट्यूब में जब राइज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एडिशन फोर्स प्रोमिनेंट होता है। दैट मीन्स ये आपका कौन सा हो गया, वेटिंग लिक्विड। और इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, अपन कैपिलरिटी राइज, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कैपिलरी डिप्रेशन या फिर कैपिलरी फॉल, क्लियर? यहाँ से कह सकते हैं हम इस केस में कि ये आपका कौन सा हो गया, वेटिंग लिक्विड क्या होगा, हमेशा कैपिलरी राइज करेगा, और जो आपका नॉन वेटिंग लिक्विड है वो क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन को शो करेगा, क्लियर? यहाँ से तो यहाँ से टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कैपिलरिटी की, इट इज डिफाइंड एज ए फिनोमिनॉन ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू द एडजेसेंट लेवल ऑफ फ्लूइड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। जहाँ अपन किसी ट्यूब को वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो ट्यूब में जो लिक्विड का जो लेवल है उसके एडजेसेंट लिक्विड के लेवल से या तो राइज होगा या फॉल होगा, इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। क्लियर है यहाँ से? आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कैपिलरी में दो इवेंट हो रहे हैं, एक हो गया आपका कैपिलरी राइज और दूसरा हो गया कैपिलरी डिप्रेशन। तो हम यहाँ पर कैपिलरी राइज के एक्सप्रेशन को डिटेल में जानते हैं। यहाँ से मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड फिलअप है, किस टाइप का लिक्विड हो गया, वेटिंग लिक्विड, ठीक है। तो उसमें मैंने एक स्मॉल डायमीटर डी का एक ट्यूब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट किया, ठीक है, और जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो मैं देखता हूँ कि इस ट्यूब में लिक्विड जो एडजेसेंट लेवल है लिक्विड का, उससे लिक्विड राइज हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस ट्यूब में जो लिक्विड राइज हो रहा है और जब कैपिलरी फॉल के केसेस में जब लिक्विड फॉल होगा तो जो ट्यूब के अंदर जो यहाँ पे देख रहे हैं अपन, जो ट्यूब में जो टॉप लेवल है इस लिक्विड का, ठीक है, वो सरफेस एक कर्व की फॉर्म में होगी, ठीक है। वो कॉनकेव भी हो सकती है और कॉन्वेक्स भी हो सकती है। इस केस में देख रहे हैं कि जो शेप है ये कुछ कॉनकेव की शेप में, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मिनिस्कस। क्या कहते हैं, मिनिस्कस, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो कैपिटल आर है ये क्या आपका रेडियस और कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस, जो मिनिस्कस बन रहा है उसकी क्या है, ये रेडियस इस कर्व की, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड की जो सरफेस है वो इस सॉलिड सरफेस को जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो इस सेंटर जो कर्वेचर का जो रेडियस का जो सेंटर है उसको यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, इसके सेंटर से, ठीक है, कोई नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से जब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो टेंजेंट है वो इस ग्लास के ट्यूब से जो एंगल बना रही है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो टॉप सरफेस है, हमने सरफेस टेंशन केस में पढ़ा था कि जो फ्री सरफेस होती है वहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है
दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं स्मॉल एच क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की हाइट है इस जो एडजस्टेंट फ्लूड के लेवल से, ठीक है। सिग्मा हो गया आपका सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो ट्यूब में जो लिक्विड है इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स और दूसरा होगा ये जो लिक्विड है उसका सेल्फ वेट। तो हम देखते हैं कि जो वेट की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कुछ इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है वो सरफेस टेंशन का कोई वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर यहाँ से? तो दोनों को हम जब बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं अपन। तो यहाँ से हम देखते हैं वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट एच, यानी जो आपकी हाइट एच है यहाँ पे जो लिक्विड है उसका वेट क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि वेट जो होता है वो क्या होता है आपका, यूनिट वेट इंटू में वॉल्यूम, इसको अपन जब बोलते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी भी। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि ये क्या होता है आपका रो जी वेट डेंसिटी, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं रो जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम आपका क्या होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो रो जी यहाँ पर एरिया क्या होगा, पर अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्यूब है उसका डायमीटर क्या है स्मॉल डी, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एरिया होगा आपका पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एच। क्लियर से? इसको अपन इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। तो यहाँ पे रो क्या हो गया आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूड, जी क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब और एच क्या होगी हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। क्लियर है यहाँ से? अब हम जानते हैं जो वेट के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन उसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो इसकी कुछ इंक्लाइंड है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ से? और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। तो इसके बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो अपन डायमीटर की जो इसकी जो पेरीफेरी इसका सर्कमफेरेंस है यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है अपना सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या होगा सिग्मा इंटू पाई डी, जहाँ पर पाई डी क्या है इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा स्पेसिफिक वेट का वो क्या होगा, वो होगा आपका यहाँ से सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस क्या देगी इसकी पाई डी, ठीक है। और यहाँ से मैं अपन वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो क्या होगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो ये आपका क्या होगा सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो फोर इक्विलिब्रियम इक्वेटिंग द इक्वेशन वन एंड टू। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इक्वेशन वन क्या आती है अपने पास में पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू रो जी इंटू एच इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में एच की क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से अपने को फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्लियर यहाँ से? तो ये काफ़ी रिमेंबर टर्म है और यहीं से अपने पास न्यूमेरिकल में जब पूछते हैं कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो ये काफ़ी रिमेंबर टर्म है, याद रखिएगा। और एग्जाम में इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो मेनली डिपेंड कर रही है यहाँ से अपने सरफेस टेंशन पे, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। क्लियर यहाँ से? और फाइनल आपके क्या हो गया डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड है ट्यूब में वो किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे यहाँ से। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से हम बात करते हैं थीटा की, जो कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैं आपसे बता दूँ कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो डिग्री। किस केस में होती है? वो होती है आपके क्लीन वाटर ग्लास के केस में,
ठीक है, जब वाटर को अपन किसी क्लीन ग्लास में जब पोर करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो आपका होता है 0 डिग्री। तो यहाँ से हम जैसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल 0 डिग्री बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, और एक तरह से हो गया आपका ये वेटिंग लिक्विड का केस भी हो गया। क्लियर? यहाँ से अब हम बात करते हैं कैपिलरी के सेकेंड इवेंट के बारे में, कैपिलरी फॉल। आइए इसके एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। कैपिलरी फॉल को अपन कैपिलरी डिप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब जो कि दोनों एंड से ओपन है उसको अपन इसी मरकरी से भरे हुए कंटेनर में जब उसको इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से कि जो इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी का लेवल है वो इसके जो एडजस्टिंग फ्लूइड के लेवल से, जनरल लेवल से क्या होता है, लोअर रहता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपका जो एच यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से डिप्रेशन हो रहा है, और एक तरह से कौन सा मरकरी कैसा लिक्विड है, नॉन वेटिंग लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मरकरी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका ड्यू टू द सर्फेस टेंशन जो कि डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फोर्स है वो आपका है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के इक्वल है। किस डेप्थ पे, इस डेप्थ स्मॉल एच पे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट आपका हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके सरकमफेरेंस कितनी है, पाई डी, ठीक है। जैसे हम पिछले केस में किया तो आपके क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी, ठीक है। वही इसके मैं कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट क्या होगा आपका, सिग्मा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है, डाउनवर्ड कंपोनेंट, ठीक है। वही मैं अगर सेकंड फोर्स की बात करूं तो वो आपका कौन सा होगा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ पे, ठीक है। वो क्या जाएगा आपका, पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ठीक है, या होगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, स्मॉल डी के यहाँ पर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है ट्यूब के अंदर वो एक तरह से कौन सी शेप शो कर रहे हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स। उस केस में कॉनकेव थी और यहाँ पर हो गया आपके कॉन्वेक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो आपके हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होगा आपका, पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इंटू क्या होता है, रो जी एच, ठीक है, पुट करते हैं इसको, रो जी एच पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन वन हो गया और इक्वेशन आपका टू हो गया, ठीक है। अब दोनों को जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, फोर इक्विलिब्रियम इक्वेशन वन इक्वल टू टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा अपना, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इक्वल टू रो जी एच पाई बाई फोर डी स्क्वायर। रो क्या आप आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, वही सेम एक्सप्रेशन, फोर सिग्मा कोस थीटा अपॉन में रो जी डी, ठीक है। जो एक्सप्रेशन हमें उसमें कैपिलराइजिंग मिला वही इसमें है कैपिलरी फॉल में। तो ये भी आपका क्या होगा, एक रिमेंबर टर्म है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ थीटा की जो कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मरकरी केस में क्या होगा, मरकरी क्या आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड है तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो लाइज करती है 120 to 140 degrees के। और अपन जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो थीटा की वैल्यू कंसिडर करते हैं, वो लेते हैं अपन 128 degrees, ठीक है। ये आप रिमेंबर है, इसको याद रखना, आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपका ये जो कैपिलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने जाना उसके दो इवेंट के बारे में, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के बारे में। आई होप आपका वो क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन कैपिलरी की और भी फिनोमेना के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।